वेल दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शो में जिसका नाम है लाइफ दोगुना। मैं हूं रवि, ये है राहुल। और आज दो अच्छे बड़े ब्रांड रखे हुए हैं, एक देसी है एक विदेशी है। दोनों की दोनों सिंगल मॉल्ट हैं, दोनों की अच्छी मार्केट बन चुकी है इंडिया में। और आज हम इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं, है ना? बिल्कुल। तो इंद्री वही है जो कि इंडिया के लोगों की इंद्री ला चुकी है और इंडिया के मार्केट पे अपना कब्जा कर चुकी है। और एक तरफ दूसरी तरफ मैं कहूंगा, एक तरफ इंद्री और दूसरी तरफ जेन पीढ़ी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है स्कॉच में। बिल्कुल, लेजेंड है एक तरीके का। बिल्कुल ठीक है, जिनको सिंगल मॉल्ट पीना पसंद है वो अपनी इस ड्रिंकिंग जर्नी में उन्होंने ग्लेनफिडिक जरूर ट्राई करी होगी। इसके बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट आते हैं। मेरे ख्याल से इंडिया में जो स्टार्टिंग वेरिएंट है 12 ईयर्स ही है इसका। मैंने वेबसाइट पे 8 ईयर्स भी पढ़ा है, पता नहीं, मेरे को दिख ही नहीं आज तक। यहाँ पे दिल्ली में 12 ईयर्स बहुत ईजिली मिल जाती है, तो ये वहाँ पे यहाँ पे आपके सामने रखी हुई है। हम आज जो कंपैरिजन कर रहे हैं इंद्री का, हम 12 के साथ कर रहे हैं। आप अगर आईटीआई के साथ भी देखना चाहते हो बताना, और ये भी बताने की काम रही वो दिल्ली में अभी अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, इस टाइम पे दिल्ली में लेकर ना बहुत रेयरली अच्छे अच्छे ब्रांड अवेलेबल हो पा रहे हैं। ठीक है, दिल्ली में जाओ ना तो मिलता, ढूंढने कुछ और जाते हो मिलता आपको कुछ और है, तो ज्यादातर एनसीआर से फिर जुगाड़ना पड़ता है। बट जो मिला है आज उससे करेंगे हम। तो सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, इसके हमने जो सिंगल रिव्यू डाला था इनका, इंद्री का और ग्लेन फिडिच का, उसमें आपको प्रॉपर इनके बारे में इंफॉर्मेशन, कंपनी का बैकग्राउंड वगैरह जो भी है सब हमने आपको वहाँ पे दे दिया है। ये जो आज रिव्यू है, कंपैरिजन रिव्यू है, कंपैरिजन करके बताएंगे कि दोनों का मुकाबला कैसा है। देखो, ऑलरेडी हमने प्रॉपर एनालिसिस उसमें कर दिया है, आज बस कंपैरिजन है कि कैसे देसी दारू भी आज के टाइम पे विदेशियों के टक्कर में चढ़ रही है। हाँ, है ना? तो बस वो देखना है कि किस तरीके से हम बाकी लोगों के सामने जाके खड़े हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम भी अच्छी दारू बना रहे हैं। अमृत हो गया, इंद्री हो गया, भाई बहुत ही बड़े ब्रांड है। एग्जैक्टली ठीक है। और अभी अगर आपने न्यूज देखी हो रिसेंटली, एक इंडियन ब्रांड है गोडवाना करके, नाम ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ मैं, उसका दिमाग में आ नहीं रहा है, बट उसको अभी वर्ल्ड की बेस्ट इंडियन विस्की का अवार्ड मिला है। ठीक है, एंड लिटरली कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर उसको यहाँ पे लाएंगे और उसको टेस्ट करेंगे। तो जैसे कि हमने बोला, अब इंडियन विस्कीज भी काफ़ी कमाल कर रही हैं, बस उसी को चेक करने के लिए आज का ये कंपैरिजन है। बिल्कुल, आज करेंगे सिंगल मॉल्ट स्कॉच। बिल्कुल, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि ऑलरेडी पहले खोल चुके हैं बोतल, तो कम कम है इनमें, आपको दिख रही होगी दोनों की दोनों, क्योंकि रिव्यूज ऑलरेडी कर चुके हैं और पार्टी कर चुके हैं। एग्जैक्टली, तो ये चीज खत्म हो चुकी है। लेकिन इन दोनों के मैं एक बात मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अभी थोड़ी सी उधर कर ले, उधर कर ले इसको ना, आप इजिली अपने फ्रेंड को दे सकते हैं ऐसे करके। नहीं दे सकते, ये इजिली नहीं है भाई, ये रुक जाएगी। और इसकी अच्छा इसकी हैंडलिंग क्वालिटी है, कहीं पे भी भाई अच्छी तरह रुक सकती है, ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छी है, दूसरी जगह ना इजीली लेके कैरी। और मैं आपको बता दूं, इसको मैं सेल्फ लेके आया हूं, और ये स्कूटी में आपके दोनों आएंगी, ये स्कूटी में आपके दिन आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी है, स्कूटी में एडजस्ट नहीं होती है, तो ध्यान रखना। ये इंडियंस के लिए मेन इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, कि कभी भी इसको अगर लाना हो तो स्कूटी के अंदर ये दो से ज्यादा नहीं आएंगी। ग्लेन फिडिच आपकी तीन आ जाएंगी स्कूटी में, और खोल के ये भी चार आ जाएंगी, लेकिन फिर भी ये तीन आ जाएगी खोल के भी, खोल के भी। ये लंबी बोतल है यार काफी, इसका जो कवर है ना बहुत लंबा है यार। तो वक्त ना गवाते हुए ग्लास ले आते हैं, ग्लास जाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, जो मेरी साइड होगी वो इंद्री है, जो रवि की साइड होगी वो ग्लेन फिडिच वाली है। बिल्कुल ठीक है। तो दोनों में स्टॉपर बहुत अच्छा है एकदम। देखो सिंगल मॉल्ट में ज्यादातर हमें कॉर्क के स्टॉपर्स मिलते हैं, एंड उनका अलग ही नशा है। और करते हैं, मजा तो भाई स्टॉपर के साथ ही है। बिल्कुल, ये ले भाई। तो जैसे देखा आपने, हमने अपनी इंद्री और ग्रेन फ्री दोनों पूर कर लिए हैं, कलर के बारे में रवि बताएगा। बिल्कुल, तो देखो कलर अगर स्टार्ट करें, दोनों के दोनों उठा लेते हैं यहाँ पे, तो आप ये ग्लेनफिडिच है, इसका कलर एम्बर कलर है, लाइट कलर है इसका। ठीक है, बहुत गोल्डन कलर आप कह सकते हो प्रॉपर। ठीक है, लाइट गोल्डन, हाँ। और जबकि ये थोड़ा सा आपका कॉपरिश कलर हो जाता है, डार्क कलर है, एंड जैसे कि हम देसी लोग हैं, हमें हमारी विस्की थोड़ी डार्क पसंद है, है ना? तो ये बिल्कुल अपना देसीपना बिल्कुल अच्छे से झलकाती है कलर में ही। और मैं ये भी बताऊंगा कि इसका कलर डार्क क्यों है, बताओ बताओ।
ब्लैक कॉफी भी इसके अंदर उसमें नोजिंग में है, जो कि मैंने बताया था। इसलिए तो थोड़ा सा ब्लैकिश कलर, इसका थोड़ा सा डार्क कलर है। चलो तो और देरी ना करते हुए हम किससे स्टार्ट करें बताओ। चलो सिग्रेंट पीडी से स्टार्ट। चलो तो ये कलर हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। बॉडी इसकी अगर देखी जाए तो लाइट बॉडी है, अच्छी बॉडी है। हाँ ठीक है, आराम से नोजिंग करते हैं। मिला के जो रूमा बहक रहा है ना यहाँ पे यार, मैं आपको बता नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता। चलो जी नोजिंग करते हैं भाई साहब। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे आपने कोई एक बहुत उंधा किस्म का परफ्यूम ले रखा है, ठीक है, और आप बस उसको स्मेल कर रहे हो, और ना तो स्पिरिट का बर्न है नोज पे, ठीक है, ना आपको फील ही नहीं होगा कि इसमें स्पिरिट है। आपको फ्लेवर बहुत अच्छे फील हो जाएंगे इसमें, सिट्रसी फ्लेवर, फ्रूटी फ्लेवर इसमें पता चलता है, सामने से ही पता चल रहा है। थोड़ा सा आप इसमें ना थोड़ा खट्टापन फ्लेवर में भी आपको नोज के टाइम पे भी फील हो जाएगा। मतलब कोई अगर आपके सामने अगर इसको छिड़क भी देगा ना आपके ऊपर, तब भी घर वालों को ये नहीं लगेगा कि दारू गिरी है। वो कहेगा कि ना बहुत ही हाई क्लास का ना, ज्यादा स्मेली वाला ना परफ्यूम मारा हुआ, ऐसे कोबरा। बिल्कुल कोबरा कहूंगा मैं अगर सही कंपैरिजन बताऊं आपको परफ्यूम में, जो शौकीन है फरारी, अब इंडिया में नहीं है फरारी का परफ्यूम वाला ब्रांड। एक बॉटल आती थी उनकी, रेड बॉटल उनकी, एक्चुअली फरारी के परफ्यूम की मेरे को ये खास बात लगती थी, उनके बॉटल के कलर के ऊपर वो परफ्यूम का नाम रखते हैं, तो ब्लैक बॉटल, रेड बॉटल ऐसे करके उनके परफ्यूम आते थे। मेरे को बड़े पसंद आते थे उनके परफ्यूम, ज़्यादा चले नहीं तो इंडिया से जा चुके क्योंकि काफ़ी महंगे थे। तो उनकी जो रेड बॉटल का जो उसमें जो नोजिंग थी, उसकी जो परफ्यूम की जो स्मेल थी, बिल्कुल मैच कर रही है, ठीक है। फ्रूटी, फ्लोरल सब कुछ है बढ़िया इसमें, ठीक है। जरा इंद्री उठाते हैं अब मारे देसी पे। देखो उसका नोट ना बिल्कुल डाउन थे और इसका नोट बिल्कुल अप है। डाउन नहीं बोलूंगा, मेलो बोलूंगा बहुत। हाँ, प्यार से मैं भाई देसी ही बोलूंगा, मेरा देसी अंदाज है ना। हाँ, तो इसके मुकाबले में इसके जो नोट्स हैं वाकई में बहुत मेलो हैं, बहुत प्यार से हिट करते हैं इसके, और ये कहती है कि मैं हूँ, ठीक है। बट मुंह का ये मतलब नहीं कि स्पिरिट बर्न हो, है ना। फ्लेवर सारे के सारे पंची फ्लेवर आपको पता चलेंगे, और गले में यहाँ पे मिठास फील हो जाएगी स्मेल लेते के साथ। कैरेमल, वनीला, आपका वुडी नोट्स, और थोड़ा सा बर्बन का उसमें, क्योंकि ये मैच्योर्ड हुई है तो क्या भी आपको उसमें थोड़ा फील होगा, मतलब देखो तो टेस्ट स्टार्ट कर। बिल्कुल क्लीन फिट एक। चलो जी चेयर। स्मूथ ऐसी पानी जैसी, मतलब मेल्टेड टॉफी समझ लो। हाँ, पिघली हुई टॉफी है, इतनी प्यार से जाती है, गर्माहट फील होगी आपके, थोड़ा सा हिंट ऑफ आपको स्पाइस फील होगा क्योंकि वो टॉयलेट्स वाला थोड़ा सा भाई देना पड़ेगा ना भाई। हाँ, ऐसे कैसे भाई। एग्जैक्टली वनीला तो है ही है, साफ पता चलता है इसमें। हल्की सी सिट्रसी भी है इसमें, बैक ऑफ द पैलेट आपको फील होगी, थोड़ा सा ऑरेंज जैसा फील हो जाएगा आपको, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि हल्का सा एक कड़वाहट है कॉफी जैसी। हल्का जो स्पाइसी नोट होते हैं ना, जब आप पी लोगे ना उसके बाद आपको थोड़ा हल्का सा महसूस होगा, फिर लिपस्टिंग पे थोड़ा सा अंदर। हाँ, अच्छा वो लगता है इसको पीने के बाद। बिल्कुल मजा आया, मतलब बहुत मेलो है, बहुत मेलो है। और ये जो मेलो होती है ना, ये हमारे यहाँ पे कहावत है ना, मीठी छुरी। हाँ, कि आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब कट जाओगे। ये हाँ, बिल्कुल वैसी है कि आप मीठी, प्यारी, अच्छी समझ के ना इसको बिना पानी मिलाए पीते चले जाओगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब लेट गए ढंग से, क्योंकि नशा तो उतना ही है ना, इतनी प्यारी दारू। स्मूथ ऐसे पीते जाओगे आइस ऐड करके, और चलो दूसरी बात है। तो ये है हमारी इंद्रिय। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहा है। बट एक कंपैरिजन मैं बैक बिल्कुल सामने से बोल दूं, देखो इसको पीने के बाद ना स्पिरिट बर्न नहीं है, ना नोज के टाइम पे ना पीने के टाइम पे। इसमें आपको नोजिंग के टाइम पे तो नहीं फील होगा स्पिरिट, बट जब ये जाएगी ना तो हल्का हल्का सा बर्न करेगी, ठीक है, लिप्स के आसपास करेगी, इसमें स्पिरिट आपको फील होगा, ठीक है। बट देसी हमें पसंद है। देखो उसमें फ्लेवर्स कम है, इसमें फ्लेवर ज़्यादा है। ब्लैक कॉफी का भी आएगा, वनीला का भी आएगा, कैरेमल का भी आएगा आपको, और आपको हिंट ऑफ स्पाइसी भी आएगा इसमें। इसमें आपको पाइनएप्पल फील हो जाता है, जो घर माउथ में जो वार्म्थ है वो आपको फील होगी होगी। ये ऐसी दारू है कि आप अपने जो देसी दोस्त है ना आपके,
ठीक है, जिनको थोड़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है उनके साथ अच्छा एंजॉय कर पाओगे। और मैं समझता हूँ कि वाटर राइड करने का ना इसका अलग ही मजा होगा, जो वाटर राइड करके देखें वो तो भाई मेरे को लग रहा है खतरनाक हो जाएगी, उसमें तो वाटर राइड करने की जरूरत ही नहीं है भाई। तो भाई ये तो भाई एकदम से गायब ही हो गई है, कलर भी एकदम खत्म ही हो गया इसका। चलो जल्दी से ड्रिंक फिनिश, नोज नोज ले लेते हैं, खत्म, टाटा बाय बाय। भाई बटर स्कॉच की स्मेल आ रही है इसमें से, आइसक्रीम जो खाते हैं ना बटर स्कॉच, नहीं मैं कहूँगा केक की। हाँ वही केक और बटर स्कॉच वाला जो आता है, और लिटरली भाई बटर स्कॉच। हाँ ये करते हैं, थोड़ी सी चिल करके, ठीक है, अदरवाइज नहीं। अब मैं सजेस्ट करूंगा इसमें आइस भी मत मिलाना क्योंकि वो जैसे जैसे पिघलेगी वो इसको मेलो कर देगी। आप इसमें आइस स्टोन्स आते हैं, ठीक है, स्टोन्स आते हैं या फिर मेटल स्टोन्स भी आते हैं, वो ठंडे कर लेना फ्रिज में, वो डालना, उसके ऊपर डालना, तो ये मेलो भी नहीं होगी, चिल भी हो जाएगी और आपको टेस्ट भी बढ़िया देगी, है ना। चलो अब ये पहुंची ग्लेनफिडिक के उस पे, मेलो हो गई है। हाँ नीट वाले में बहुत मेलो हो गई है और वनीला और हल्का स्पाइसी टेस्ट आया, वो आ रही नोजिंग में, इसके अलावा और फॉर्म नहीं पड़ता है, अब पहले बहुत ज्यादा था। बहुत हो गया मतलब पहले ऊपर थे अब नीचे। अब ना इसमें आपको ओकीनेस फील होगा, थोड़ा वुडी इफेक्ट जो है ना इसका, जो इसमें तीन अलग अलग कास्ट में इसको मैच्योर कराया जाता है वो फील होगा, थोड़ा सा जो वुड वाला टेस्ट है वो आएगा आ रहा है, ठीक है। आप इसमें जो ब्लैक कॉफ़ी ये बोल रहा था आपको फील होगा, मतलब जो कड़वे वाले जो नोट्स हैं ना इसके, कड़वे एज इन बुरे कड़वे नहीं, जो हम इंजॉय करते हैं, कॉफ़ी वाला नोट्स हो गया, चॉकलेट वाले नोट्स हो गए, वुडी इफेक्ट्स हो गए, वो आप इसमें इंजॉय कर सकते हैं। मैं कहूँगा ना भाई इस सिंगल मॉल्ट को मज़ा है एक पैकेट पीने में, मेरे को वो मजा उसमें ही नहीं आएगा अगर मैं उसका एक पैक मार के दूसरा पैक कराऊंगा तो, क्योंकि ये अपना थोड़ा सा फ्लेवर छोड़ता है, क्योंकि नाक पे लगेगा तो और पीने में और मजा आएगा, जो कि मेरे को लगता है ग्लेन फिडिच में मजा नहीं आएगा हम इंडियन को। तो मैं कहूंगा कि मेरी तो फेवरेट आज की इंद्री रहेगी, ग्लेन फिडिच को मैं थोड़े से कम नंबर दूंगा फ्लेवर वाइज देखो, बहुत गालियाँ पड़ने वाली इस वीडियो पे, क्योंकि ग्लेन फिडिक के दीवाने बहुत हैं, मैं खुद भी बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मूथ है, वो अल्टीमेट स्मूथ दारू है। बट हाँ, क्योंकि हमारा जो इंडियन पैलेट है हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग पसंद है, जैसे थोड़ी तीखी मिर्ची पसंद है ना हमें, है ना, कि खाना कितना भी चटपटा हो बट एक हरी मिर्ची चाहिए, वो गोलगप्पे के बाद है थोड़ा सा, वो लास्ट में जलता है ना थोड़ा सा। हाँ भाई वो वाली बात ना उसमें नहीं है, वो सबसे वो अपनी इंद्री में है। हाँ। और इन्होंने जो बनाई है ना, एक्चुअली में इंद्री को जो बनाया है इंडियन पैलेट को ध्यान में रख के बनाया है, इन्होंने सारे फ्लेवर अच्छे दिए हैं, कोई मिलावट नहीं है दारू में किसी भी तरीके की, नेचुरल पूरा सब कुछ फ्लेवर्स है, उसके बावजूद इन्होंने जो टेस्ट प्रोफाइल दिया है और जो स्ट्रेंथ दी है, ऐसे थोड़ी ना नेवर दी जाती, एग्जैक्टली, वाकई में बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इंद्री हमें, हमने जब सिंगल उसको टेस्ट किया था, जब इसका वीडियो बनाया था तब भी पसंद आई थी और आज कंपैरिजन के टाइम पे भी बहुत पसंद आई है। मैं कहूँगा अगर मेरे को दोनों विस्की अकेले पीने में दी जाए ना, मैं उसके दो पैक पीने के बाद ना मैं कहूँगा यार ठीक है बढ़िया मजा आ गया, लेकिन अगर इसका मैं एक पैक पीऊंगा ना तो मैं दूसरी तरफ दूसरे पैक के लिए मैं खींचूंगा और तीसरे पैक के लिए भी खींचूंगा। पार्टी ये पार्टी वाली अपनी देसी पार्टी है ना। तो प्राइस आपको बताया था, ये दिल्ली में आई गेस 35 के आसपास है प्राइस का, 5190 है दिल्ली में और इसका दिल्ली में प्राइस है 3500। तो सोचो ऑलमोस्ट डबल, ठीक है, तो अच्छा खासा, ऑलमोस्ट डबल भी नहीं, 35% का डिफरेंस है प्राइस के अंदर अंदर, ठीक है, 35-36% का। तो मेरे हिसाब से अगर तो आप बहुत स्मूथ पसंद करते हो कि आपको अपनी विस्की में कुछ मिलाना पसंद नहीं है, आपको विस्की इंजॉय करनी है सिप के तौर पे, कि सिप सिप लेके आपको विस्की इंजॉय करनी है, आप ग्लेनफिडिक पे जाओ, ठीक है। अगेन इसमें मैं अक्सर मैं बोलता हूँ कि आइस ऑन द रॉक्स पियो अपनी दारू, इसके लिए तो मैं ऑन द रॉक्स भी नहीं बोलूँगा, इसके लिए तो मैं एक्चुअल रॉक्स आते हैं उसका भी वीडियो हमने डाल रखा है कि कैसे आप
रॉक्स को लेके अच्छे से साफ करके ठंडा करके उसको ऑन द रॉक्स बना सकते हो अपनी विस्की की मदद से, अलग ही लेवल है। एग्जैक्टली, तो आप चाहो तो उस तरीके से इंजॉय कर सकते हो इसको, उससे ये डाइल्यूट भी नहीं होगी और फ्लेवर बरकरार रहेगी और ठंडी भी रहेगी। इसमें आप बिल्कुल आइस भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि जब थोड़ा पानी मिलेगा ना तो और फ्लेवर खुलेंगे इसके। और एक चीज मैं और कहूंगा कि दोनों की ना टक्कर ही, आज मैं ये बात कहूंगा, इसका एक अलग फैन फॉलोइंग है, अलग तरीके है और उसका एक अलग है। ठीक है, जैसे कि मैं हमने बताया था बीच में, ये एक फॉर्मल विस्की है, जेंटलमैन विस्की है, ये आप कभी भी पी सकते हो। ठीक है, और आपको ज़्यादा इफेक्ट फील भी नहीं होगा। ये एक ऐसी है कि जिसके लिए माहौल चाहिए। ठीक है, आप चाहते हो कि अच्छे दोस्त हो जहाँ पे थोड़ा रुतबा भी बने अपना, जब आप दारू रखो बीच में, लोगों को पसंद भी है आपकी दारू, और ये वाकई में जब आप रखोगे ना सब तारीफ करेंगे इसकी, इतनी बढ़िया विस्की। तो ये है हमारा आज का रिव्यू, आई होप आपको पसंद आया। राहुल अपनी अर्जी लगाओ, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसी इंटरेस्टिंग से सिंगल मॉल्ट और विस्की और स्कॉच की वीडियो देखने के लिए चैंपियन बने रहो। बिल्कुल, और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। और जल्दी मिलेंगे एक और नए कंपेरिजन के साथ, देसी और विदेशी चस्के और ब्रांड के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से, राहुल की तरफ से और लाइव दोगुना की तरफ से, चीयर्स।